हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका सिस्टम कितना पावरफुल है, आप कैसे जान सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों उसे आपको ओपन करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माई कंप्यूटर है और इस माई कंप्यूटर पर हम लोग अगर राइट क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे सबसे नीचे की तरफ ऑप्शन एक प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ओपन दिया हुआ है, मैनेज दिया हुआ है और मैप नेटवर्क ड्राइव दिया हुआ है, डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइव दिया हुआ है, क्रिएट शॉर्टकट दिया हुआ है, डिलीट और रिनेम और उसके लास्ट में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़। दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कितना पावरफुल है और इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ की गई है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है विंडोज़ का एडिशन। जी हाँ दोस्तों, जो विंडोज़ का एडिशन होता है वो कौन सा होता है, यानी कि विंडोज़ XP पड़ी है आपकी, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है। तो जो भी विंडोज़ हैं दोस्तों, आजकल लेटेस्ट विंडोज़ चल रहा है जैसे कि विंडोज़ 11, तो आपको जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम पर होगा, जो भी प्लेटफॉर्म आपके सिस्टम पर होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लोड होगा वो सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा दिया हुआ है विंडोज 7 अल्टीमेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विंडोज 7 का अल्टीमेट वर्जन हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा विंडोज 7 है और ये दोस्तों उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सिस्टम। तो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैन्युफैक्चर क्या है वो दिया हुआ है हेवलेट पैकर्ड, और जो कि HP का यानी कि दिखा रहा है यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी प्रोसेसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है पेंटियम आर डुअल कोर CPU, यानी कि जो हमारा जो प्रोसेसर है वो जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, तो उसको CPU जो है वो हमारा पेंटियम आर यानी डुअल कोर का प्रोसेसर हमने अपने सिस्टम में लगा रखा है, जिसकी जो कि मॉडल नंबर बात करें तो यहाँ पर E5700 मॉडल नंबर है। और अगर हम गीगाहर्ट्ज की बात करें जो प्रोसेसर है वो हमारा 3.0 गीगाहर्ट्ज स्पीड का जो प्रोसेसर हमारा यहाँ पर सिस्टम में यूज़ किया गया है। तो जो स्पीड इसकी है वो है 3.0 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 3 गीगाहर्ट्ज का जो प्रोसेसर है वो हमारे कंप्यूटर पर लगा रखे हैं। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ इंस्टॉल्ड मेमोरी यानी कि जो रैम होती है वो आपके सिस्टम में कितनी दी हुई है, तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4GB रैम, अगर दोस्तों आपका 8GB होगी तो यहाँ पर 8GB शो करेगा आपकी, अगर रैम 2GB होगी तो यहाँ पर 2GB शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो रैम की बात कर रहे हैं तो इंस्टॉल्ड रैम जो होती है वो आपकी यहाँ पर जितनी होगी, जो जिस क्वांटिटी की होगी वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो इंस्टॉल्ड रैम है वो 4GB है, तो इसलिए यहाँ पर 4GB शो कर रहा है। अब दोस्तों हम सिस्टम टाइप की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कितने बिट का है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक 32-bit का होता है और एक 64-bit का होता है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit का है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शो कर रहा है कि 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, और नीचे दिया हुआ है पिन एंड टच। दोस्तों अगर हम कोई भी जो डिवाइस है लगाते हैं, जैसे पेन हो या फिर आपकी टच हो, तो वो यहाँ पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर दिखा रहा है नो पेन और टच, यानी कि ना तो इसमें पेन का यूज़ कर रहे हैं हम और ना ही हम कोई भी टच स्क्रीन टच का जो कि इनपुट टच से हो वो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे टच स्क्रीन हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम टच करके हम उस पर काम कर सकते हैं, तो वो हम कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ दिखा रहा है नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले, यानी कि इस डिस्प्ले जो हो रहा है इसमें हम कोई भी ऐसा नहीं यूज कर रहे हैं जैसे जो कि हम चाहे टच हो या फिर हो, ऐसा कोई डिवाइस हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों नीचे की ओर चलते हैं, नीचे हमारा दिखा रहा है कंप्यूटर नेम डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर का नेम क्या है, दोस्तों जो भी नेम होगा वो यहाँ पर शो कर देगा, फुल कंप्यूटर नेम जो होगा वो भी यहाँ पर शो कर देगा, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय जो भी आप डालते हैं वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। और कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो भी आपका यहाँ पर दिखा रहा है, वर्क ग्रुप क्या है वो आपका दिखा रहा है कि किस वर्क ग्रुप से आपका कौन से नाम से वर्क ग्रुप है, जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ वर्क ग्रुप जो कि बाई डिफॉल्ट होता है, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये कैसे चेंज होगा तो मैं बता दूं, यहाँ दिया हुआ है चेंज सेटिंग। दोस्तों इस चेंज सेटिंग पे जा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, जैसे कि जो भी जैसे दिया एग्जांपल दिया है किचन कंप्यूटर, यहाँ भी जहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके का आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर जो है आप वर्क ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, तो अपना जिससे जैसे आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज पर जाएंगे, यहाँ कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जा करके वर्क ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है
हार्डवेयर पर आप देखना चाहते हैं तो हार्डवेयर डिवाइस मैनेजर पर जा सकते हैं, जो भी आपका डिवाइस मैनेजर है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और उसके बाद जो है आप यहीं से एडवांस पर जा सकते हैं, सिस्टम प्रोटेक्शन पर जा सकते हैं और रिमोट पर जा सकते हैं। दोस्तों ये सब अलग अलग फंक्शन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब नीचे की ओर तब देखेंगे विंडोज एक्टिवेशन। दोस्तों अगर आपकी वीडियो एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर दिखा देगा, और एक्टिवेटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं दिखाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आप अपने सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, और आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है यानी कि आपकी रैम कितनी है, सीपीयू कितना है, तो वो सब कुछ यहाँ पर शो करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो से नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।